दोस्तों फाइनली हमारा बिरयानी बनके रेडी हो चुका है अब खाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू चैनल। दोस्तों आज मैं काफी लेट हो चुका हूँ। दोस्तों आज है संडे, तो मैं जा रहा हूँ आज चर्च संडे मीटिंग के लिए। तो दोस्तों आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, सो दोस्तों हम मिलते हैं चर्च के बाद। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। दोस्तों आज मैं काफी लेट हो गया था चर्च के लिए, काफी ज्यादा लेट हो गया था। तो चर्च अब ओवर हमारा, सारे लोग निकल गए चर्च से और मैं भी अब जाऊंगा। आज का छोटा सा कुछ प्लान है, वो सस्पेंड रहेगा। दोस्तों मैं चर्च से सीधा सिस्टर के यहाँ आ गया। सिस्टर ने बोला दीपक इधर आ जाना मेरे यहाँ, तो मैं यहाँ आ गया। आशा भी यहाँ आई हुई है। ये है सिस्टर का घर, सिस्टर का घर का बाउंड्री ऐसा है। काफी धूप है दोस्तों, कभी कभी आंख बंद हो जाता है धूप के कारण। ये सिस्टर का घर के अंदर आ गया मैं। ये देख रहे हैं ये हॉल रूम, सिस्टर के हॉल रूम, वो एक बेडरूम। ये हमारे सोलोमन आओगे, सोलोमन आया हुआ है। इसका भी तो 3 दिन का छुट्टी है अभी कॉलेज से। ये आ गए, ये आशा कुछ काम कर रही है, और ये शामिल उसके आंटी को हेल्प कर रही है, और हमारे सिस्टर हैं इधर सोए हैं। सिस्टर का तबीयत खराब है, चर्च भी नहीं जा पाई, काम काफी ज्यादा हो गया, टायर्डनेस ज्यादा हो गया, तबीयत भी खराब है दोस्तों, इसलिए गई नहीं। तो बने रहिए वीडियो में, आगे क्या करते हैं फिर दिखाते हैं हम लोगों को। दोस्तों जैसे बताया था मैंने आप लोगों को कि कुछ सस्पेंस है, सस्पेंस ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को दिखा रहे हैं हम लोग बना रहे हैं दोस्तों मटन बिरयानी। ये देख सकते हैं चावल रेडी हो रहा है, प्याज वगैरह सब काट के रेडी हो गया है, और सिर्फ फ्राई करना भी। अभी मैं आप लोगों को फ्रंट कैमरा से बैक कैमरा से एक बार दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ बोलना है बोल दो, एक एटलीस्ट हाई कर दो हमारे व्यूअर्स को यार। या गुड गर्ल। ये किचन है हमारे सिस्टर लोगों का, छोटा सा किचन है, बहुत ही बेहतरीन किचन है, देख सकते हैं सारा चीज रेडी हो गया है। आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं फिर से। ये राइस बॉईल हो रहा है, उसके बाद इधर दिखाएं, ये ऑनियन फ्राई के लिए ये तेल रेडी हो रहा है। ये इतना सारा ऑनियन है, देख सकते हैं आप लोग, और मटन है यहाँ पे, मटन देख सकते हैं दोस्तों। इसको मेल्ट करने के लिए इसमें सारा मसाला वगैरह डाल दिया गया है। ये मसाला अभी मेल्ट करने के बाद फिर से दिखाएंगे आप लोगों को। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हो रहा है हमारा मटन मेल्ट। इसको मेल्ट करके कितने मिनट तक छोड़ना पड़ेगा, कितना मिनट तक छोड़ना पड़ेगा? थोड़ी देर के लिए मेल्ट करके थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ेगा, मुझे पता नहीं। अब ये बना रही है, तो अब ये मेल्ट हो चुका है। ये देख सकते हैं दोस्तों, एक तरफ हमारा ऑनियन फ्राई हो रहा है और एक तरफ अभी मटन के लिए कुकर को चढ़ा दिए हैं। ये मटन मेल्ट करके रखे थे हम लोगों ने, ये मेल्ट हो चुका है अच्छे तरीके से। अब इसको डालेंगे, ये देख रहे हैं दोस्तों, अब ये मटन को डाल रहे हैं। रुक 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 ना, ये देख रहे हैं दोस्तों मटन डल चुका हमारा पूरा कुकर में, और इसमें मसाला था उसको थोड़ा पानी डाल के डाल दिए। अब इसको थोड़ा चलाया जा रहा है, ये देख सकते हैं हमारे कुक साहिबा बहुत अच्छी कुकिंग करती है। दोस्तों अब इसमें थोड़ा पानी डाला जा रहा है,
पानी डाल रही है हमारी कोक साहिबा। पानी डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से फिर से चला देंगे। देखने में ऐसा लग रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, ऐसा लग रहा है अभी निकाल के खा दूं, लेकिन टाइम है अभी, खाएंगे तो जरूर। तो दोस्तों अब ये कुकर का ढक्कन को लगा रहे हैं फाइनली। बस कुकर का ढक्कन लग चुका और इधर हमारा ऑनियन भी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है। देख सकते हैं दोस्तों हमारा ऑनियन फ्राई हो गया है। बस ऑनियन को निकाल रहे हैं अब, और थोड़ा सा है इधर। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा मटन बनके रेडी। अब इसको हम लोग डाल रहे हैं, ये देखिए दम के लिए। सब के एक ही बार लगाए दिले हाँ, लेर गिर के लगाते हाँ रही दूठ ले राइस। यार हाँ? हो गया हाँ, बस इसको दम होना है अभी। फाइनली दोस्तों हमारा बिरयानी दम हो रही है। अब ये लास्ट प्रोसेस है, ये जुगाड़ से दम हो रही है, क्योंकि इसका जो राइस जो था वो थोड़ा ज्यादा हो गया, तो इसके लिए हम लोगों ने थोड़ा जुगाड़ कर लिया। आपको आप लोगों को पता ही है हम लोग इंडियन है, तो इंडियन जुगाड़ में माहिर होते हैं। दोस्तों फाइनली हमारा बिरयानी बन के रेडी हो चुका है अब खाने के लिए, और आशा परोस रही है बिरयानी। हमारे सिस्टर का तबीयत थोड़ा खराब है, बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर शुरू करते हैं, कैसा है खा के बताते हैं टेस्ट। गर्मा गर्म है, समझ में नहीं आ रहा का समझ बैठो। सुपर सुपर से ऊपर वाला टेस्ट। कैसा है? शामिल ने पूरे बिरयानी में दही डाल दिया। चलिए दोस्तों खाना पीना खत्म, खाना पीना का प्रोग्राम पूरा कंप्लीट, बिरयानी भी खा लिए मटन बिरयानी। अब थोड़ा आप लोगों को बाहर का नजारा दिखाते हैं। ये इधर देखिए आशा बर्तन धो रही है। बर्तन ज्यादा हो गया ना, बहुत ज्यादा। का रखने का नहीं मतलब यही है एक तो। तो दोस्तों वीडियो को हम लोग यहीं पे अंत करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को जरूर कमेंट में बताइएगा, हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर कोई सजेस्ट है तो आप लोग हमें कमेंट में सजेस्ट भी कर सकते हैं। और दोस्तों हमारी एक कोशिश है आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए, हमेशा यही कोशिश रहेगी। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिएगा। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाएंगे, इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। और दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों वीडियो को यहीं अंत करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।